और अगली खबर देहरादून से, जहां पर हेरिटेज एविएशन कंपनी पर की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें हेरिटेज एविएशन से जवाब तलब हुआ है। हेलीपैड ने से एसडीआरएफ टीम को धुमाकोट के से ले जाने में आनाकानी की थी और एसडीआरएफ को बस हादसे के घटनास्थल पर पहुंचना था। तो कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने की सख्त कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कुछ ही दिन पहले का यह पूरा मामला है, जब धुमाकोट में बस हादसा हुआ था। एसडीआरएफ को बस हादसे के घटनास्थल पर पहुंचना था और कंपनी को अब ब्लैक लिस्ट करने तक की कार्रवाई हो सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त की देहरादून से हम आपको बता रहे हैं। तो हेरिटेज एविएशन कंपनी की उड़ानों पर रोक लगा दी गई है। तो इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही इस पूरी खबर पर, हेरिटेज एविएशन पर रोक लगा दी गई है? नहीं, उड़ानों पर रोक लगाई गई है, उस हेरिटेज एविएशन पर अभी रोक नहीं है। लेकिन इसमें जो रविवार को जो दुर्घटना हुई थी और उसके बाद समाचार प्लस में सबसे पहले हेलीकॉप्टर निजी एक ऑपरेटरों ने हेलीकॉप्टर उड़ाने से मना कर दिया था कि हमारे 2.5 करोड़ रुपए पुराने जो है पहले बकाया किया जाए, उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ेगा। लेकिन तमाम मान मनोवल के बाद आखिरकार जब वो उड़े तो उसके बाद सीएम तक भी ये बात पहुंची। डीआईजी उस समय के जो थे पुष्पक ज्योति, उनको नहीं उड़ने दिया गया, एसडीआरएफ की टीम नहीं जा पाई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब जो नागरिक उड्डयन विभाग है उन्होंने हेरिटेज एविएशन से जवाब तलब किया है और उनकी अभी उड़ानों पर रोक है। और आरोप यही लग रहा है कि उन्होंने संवेदनहीनता दिखाई है ऐसे समय में जब सबको मिलकर काम करना चाहिए, और उत्तराखंड में जब अगर ये काम कर रहे हैं तो उनको राज्य सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो ऐसे में इन्होंने नहीं किया, तो अगर संतुष्ट नहीं हुए जवाब से तो इनको ब्लैकलिस्ट करने की भी कोशिश हो सकती है। जी जी बिल्कुल पंकज, क्या कुछ इस पर जानकारी मिल रही है? जैसे कि आपने भी बताया कि इनको ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। बिल्कुल, अगर संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि जब इमरजेंसी की स्थिति होती है तो तमाम लोग जो उत्तराखंड में हैं वो अपनी तमाम चीजें भुलाकर मदद में लग जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से कंपनी हेलीकॉप्टर कंपनी के जो तमाम लोग हैं उन्होंने जिस तरीके से संवेदनहीनता दिखाई है, उसके बाद अब ये मान लग रहा है कि अगर सरकार को इनका जवाब ठीक नहीं लगा या संतोषजनक नहीं लगा तो सरकार इनको ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है। वैसे भी हेरिटेज एविएशन जो है उत्तराखंड में बहुत बदनाम कहा जा सकता है, एविएशन के रूप में जानी जाती है, इससे पहले भी कई विवाद इनको लेकर हो चुके हैं। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसको लेकर सरकार फैसला लेती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज तमाम।